मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के बागेश्वर धाम में शुक्रवार को गरीब परिवार की 156 कन्याओं का विवाह संपन्न हुआ। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री द्वारा यह आयोजन करवाया गया था। वहीं जब विदाई की बेला आई तो नवविवाहित कन्याएं विवाह समारोह के मेजबान पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से लिपट कर रोने लगी। वहीं बड़े भाई की तरह पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भी दुल्हन बनी कन्याओं को आशीर्वाद दिया। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के छतरपुर जिला स्थित बागेश्वर धाम में 156 कन्या विवाह महोत्सव व 108 कुंदीय आति विष्णु महायज्ञ का आयोजन बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री द्वारा कराया गया था, जिसमें श्री गुरु सेवा समिति बागेश्वर धाम कानपुर शिष्य मंडल के सदस्यों द्वारा सेवा की गई। वहीं इस विशाल आयोजन की शुरुआत दूल्हा दुल्हन के स्वागत से हुई। स्वागत खुद बागेश्वर धाम के महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने ढोल नगाड़ों के साथ किया और जोड़ों को मंच तक लेकर आए, जिसके बाद मंच पर जोड़ों द्वारा एक दूसरे को जयमाला पहनाने की रस्म अदा की गई। इसके बाद मंच पर मौजूद अतिथियों ने वर वधु को आशीर्वाद दिया और उसके बाद जैसे ही मंडप पर होने वाली रस्में हुई तो दुल्हा दुल्हन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इन सभी जोड़ों ने जयमाला कार्यक्रम के साथ ही मंडप में सात फेरे लेते हुए एक दूसरे का साथ आजीवन निभाने का वचन भी लिया। आपको बता दें कि बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने नवविवाहित जोड़ों को गृहस्थी के समस्त सामानों के साथ साथ एक एक मोटरसाइकिल भी प्रदान की। गृहस्थी के इन सामानों में दुल्हन के लिए साड़ी, गहने, मेकअप का सामान, अलमारी, डबल बेड का पलंग, सिलाई मशीन और भी बहुत से सामान दिए गए, ताकि 156 नवविवाहित जोड़े अपना जीवन सुख के साथ व्यतीत करें। वहीं कानपुर से बागेश्वर धाम पहुंचे 200 से अधिक सेवादारों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। कानपुर के सभी सेवादारों ने अनुराग तिवारी व रुचिर मेहरोत्रा के साथ मिलकर इस विवाह कार्यक्रम में अपनी सेवा करी। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने उनके कार्य की सेवा देखते हुए सभी सेवादारों को आशीर्वाद भी प्रदान किया। दो दो नहीं जा रहे, एक एक सिलेंडर जा रहे हैं पीछे के लिए। काम कुछ ये विवाह प्रारंभ होगा। सबसे पहले 30 बेटियां और उनके वर मंच पर आएंगे, उनकी जयमाला का कार्यक्रम होगा और मंच पर विराजमान साधु संतों और विशिष्ट विभूतियों के आशीर्वचन होंगे। पुलिस व्यवस्था में भी जुड़ी कानपुर मंडल पूरा एक साथ बैठ जाए, तुरंत कानपुर मंडल पूरा बैठ जाए एक साथ। भैया भैया हेलो भाई, इसे बना दोगे क्या? चलो तो ही Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon so you can get latest video notifications. And this is absolutely free.